नमस्कार दोस्तों, सत्यभंज हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे साइंटिफिक रिसर्चर श्री दीपक अग्रवाल जी से, और उन्होंने हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दुर्बल हो जाना, वीक हो जाना, या फिर और उसके असर, उसके इफेक्ट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। आगे श्री दीपक अग्रवाल जी बता रहे हैं कि देखिए, भगवान की इच्छा से ही हम यहाँ आए हैं और उन्हीं की इच्छा से ही हम यहाँ से जाएंगे। सो एनीथिंग कैन हैपन इन एनी टाइम, कॉज जो आया है वो जाएगा ही, एंड द थिंग व्हाट विल बिगिन ऑन अर्थ दैट विल एंड, सो Why afraid? ये दीपक अग्रवाल जी बता रहे हैं। बट हमें ऑब्जर्व करना है, अवेयर होना है, सतर्क होना है, नॉलेज रखना है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और उससे क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, और आगे उस हिसाब से हम लोग भी अपने सोच को बढ़ा सकते हैं कि ये अगर हो सकता है तो ये चेंजेस होने से हमें क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ सकता है। आगे श्री दीपक अग्रवाल जी बता रहे हैं, या आप लोग भी सोचिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड नो डैम्स आर सेफ, जो बांध होता है ना डैम, नो डैम्स आर सेफ। दीपक अग्रवाल जी बोल रहे हैं जी, ये जो अर्थ का जो साउथ अटलांटिक एनामोली या फिर दक्षिण अटलांटिक विसंगति के बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में इसके बारे में बात कर चुके हैं, इसका जो 8 वाला जो फिगर हम लोग को दिख रहा था, 8 जैसा जो फिगर हो रहा था, ठीक है, वो जुड़ जाएगा, तब क्या होगा, अर्थ का पोल बदलने लगेगा। और अर्थ का पोल जैसे बदलने लगेगा तो सोचो पूरा अर्थ वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और उस समय सोचिए जितने सारे डैम्स होंगे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस सब डैम का हालत क्या होगा। अब आप लोग देखिए, मालिका में महापुरुष ने जैसे लिखा है, हीरा कुद ग्रामे एक बड़ो बंध भांगीब। मालिका के 244 ग्रंथों में हीराकुद डैम के बारे में लिखा गया है। अभी देखिए, ये मालिका लिखा गया था कब, लगभग आज से 600 साल पहले, और ये हीराकुद डैम ये कब स्टार्ट हुआ था, 1957 को। तो देखिए, ये 600 साल पहले महापुरुष ने लिखा था कि हीराकुद ग्रामे एक बड़ो बंध भांगीब। इसका मतलब क्या हो रहा है, अभी देखिए, ये जो डैम जो है उड़ीसा का, जो हीराकुद डैम जो है महानदी रिवर के ऊपर जो बना हुआ है, ये 25 किलोमीटर लंबा डैम है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, इन द वर्ल्ड ऑल्सो, ठीक है। ये डैम जिस गांव से बना हुआ है, जिस गांव से स्टार्ट हुआ है, उस गांव का नाम है हीराकुद। उस गांव को डेडिकेट करके ही यह डैम का नाम रखा गया था, हीराकुद डैम। अब देखिए, महापुरुष ने कैसे मालिका में 600 साल पहले लिख दिया है कि, और ओडिया में ये डैम को बोला जाता है बांध, और आप लोगों को भी पता, हिंदी में भी डैम को बांध बोला जाता है। तो उन्होंने ये लिखा था, हीराकुद नामक एक ग्राम में, एक गांव में एक बड़ा सा बांध टूट जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, आप लोग खुद ही देख लो। हिमाचल प्रदेश में भाकरा नंगल डैम है, सतलेज नदी के ऊपर जो बना हुआ है। सिमिलरली उत्तराखंड टेहरी डैम, इंडिया का जो टॉलेस्ट डैम है, 260 मीटर का हाइट है जिस डैम का, भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है, भागीरथी नदी के ऊपर। सोचिए, ये सारे डैम्स अगर ऐसे ही अर्थ के वाइब्रेट करने से टूटेंगे तो कैसा जल प्रलय होने का उम्मीद कर सकते हो। श्री दीपक अग्रवाल जी बता रहे हैं, टेहरी डैम के लेफ्ट साइड में है देहरादून, राइट में है हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब बह जाएगा अप टू दिल्ली। फिर कुछ भी प्रेडिक्ट, फिर भी देखो भाई, कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। दीपक अग्रवाल जी खुद ही बता रहे हैं, कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। श्री अग्रवाल जी आगे बताते हैं, अब देखिए, आजकल बादल फटते हैं, क्यों, रिसेंटली पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में भी हुआ। आप लोगों को याद होगा 2013 में उत्तराखंड में हुआ था, केदारनाथ में। ये पहले बादल फटने का जो इंसिडेंट होता है ना, ये ईयरली 4-5 होता था, अब ये
लगभग 25-30 इंसिडेंट ईयरली होने लगे हैं। सोचिए क्यों। आप लोग कभी मार्क किया हो दोस्तों, ऐसे ही अभी अभी कड़ी धूप है, अचानक से बादल क्रॉस किया और अचानक से घनघोर बारिश होना स्टार्ट हो गया। ये क्यों हो रहा है ऐसा अचानक से? आप लोग ऐसे भी देखते होंगे, यहीं पे धूप है और अचानक से 1 किलोमीटर दूर देखो बारिश हो रहा है, या फिर जस्ट कुछ ही दूर में देखो अच्छा खासा बारिश हो रहा है और इधर कुछ भी नहीं हो रहा है। बादल पानी को होल्ड नहीं रख पा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के वीक होने की निशानी है। मैग्नेटिक फील्ड वीक होने से बादल पानी को होल्ड करने का कैपेसिटी कम होने लगता है, इसलिए ये सब फ्रीक्वेंटली होने लगा है आजकल। उसके साथ आप लोग देखो, जो हम लोग ने बात किया था साउथ अटलांटिक एनामोली, जो दक्षिण अटलांटिक विसंगति के बारे में, वहां से भी वाटर वेपर क्रिएट हो रहा है अचानक से समुद्र में, और ये बहुत फास्ट बादल क्रिएट कर रहा है, बहुत फास्ट बादल बना दे रहा है और अचानक से बारिश हो के रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने लग रहा है। चाइना में पिछले 140 साल का रिकॉर्ड टूट गया बारिश से। अभी इस बार देखो आप लोग इंडिया में ही देख लो नॉर्थ इंडिया का हालत क्या हो गया, यमुना नदी 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ के 44 इयर्स का रिकॉर्ड तोड़ के ये ताजमहल के वॉल को टच किया। अब दीपक अग्रवाल जी बता रहे हैं कि देखो भाई हमारे साइंस के पास जो रिकॉर्ड है डाटा है 200-300 साल तक का है, मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं है। अभी 140 साल का रिकॉर्ड जब टूट सकता है तो 200-300 साल का रिकॉर्ड टूटना कौन सी बड़ी बात है। आगे आने वाले सालों में आप लोग देखोगे ऐसे ऐसे चीजें जो ना कभी आंख पहले देखे होंगे ना कभी कान सुने होंगे। आप लोग खुद ही देख लो, ये कोविड ना कभी आप किसी कोई देखा था ना कोई सुना था इसके बारे में। दीपक अग्रवाल जी बोल रहे हैं ये महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ने महापुरुषों के द्वारा जो लिखा है ना, ये मालिका, ये भविष्य मालिका सब कुछ सच है, ये भविष्य मालिका इज नॉट ए फेक थिंग। ठीक है, पंचसखा के 5 जनों को मिला के 17 जन महापुरुषों ने भविष्य मालिका में अपना अपना वक्तव्य रखा है। जैसे महापुरुषों ने भी लिखा है, उसका जो हिंदी अनुवाद ऐसा है, ऐसा नजारा देखोगे जो नयन कभी ना देखे होंगे। और अगर रिसर्च के हिसाब से, साइंस के पैरामीटर के हिसाब से अगर हम लोग इसको अगर कंपेयर करें ना, तो वी आर नियरिंग टू द स्टेशन, हम लोग नजदीक नहीं बहुत नजदीक आ गए हैं, और ये आर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हालत देख के पता चल रहा है। आप लोगों को ऑलरेडी ऋतु चक्र में परिवर्तन महसूस होने लगा होगा। देखिए गर्मी में कैसे ज्यादा टेम्परेचर का फील होना, कुछ कुछ मौसम हम लोग को महसूस ही नहीं हो रहा है। फसल का नष्ट होना एक चीज देखो, ये फसल खराब होना ये आजकल देखो कितना बढ़ गया है। श्री दीपक अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि देखिए ये जो भविष्य मालिका को उन्होंने इसलिए बिलीव किया क्योंकि उन्होंने अपने लास्ट 8 से 10 साल का जो रिसर्च उन्होंने किया था वो 600 साल पहले भविष्य मालिका में लिखा टाइमलाइन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो साधु महात्मा कितने महान थे, महापुरुष श्री अच्युतानंद जी महाराज वो कितने महान थे जिन्होंने 600 साल पहले ये सारे इंफॉर्मेशन मालिका में टाइमलाइन के साथ मेंशन किया हुआ है भविष्य मालिका में। हम लोग बात कर रहे थे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वीक होने के बारे में। देखिए साउथ अटलांटिक एनामोली, इसके बारे में हम लोगों ने भी पहले बात किया है। अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड एक है जो काफी तेजी से रहस्यमय तरीके से पता नहीं क्यों कमजोर होने लगा है, जिससे सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट को भी इशू होने लगा है। इसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है साउथ अटलांटिक एनामोली, या फिर इसको हिंदी में आप लोग बोल सकते हो दक्षिण अटलांटिक विसंगति। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक सैटेलाइट है स्वाम सैटेलाइट, उसके मदद से कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए गए हैं। लगभग 20 रिसर्चर्स ने यह बात नोट किया है कि 1970 से 50 साल में 50 इयर्स में ये एनामोली में बहुत गिरावट आई है। उससे पहले गिरावट उतना नहीं हो रहा था, बट ये रिसेंट इयर्स में बहुत ज़्यादा हुआ है और हाल ही में 2000 के बाद ये गिरना बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो रहा है। आप लोग ऑलरेडी पहले वीडियो में सारे ग्राफ दिखाया जा चुका है, जो कि आप लोग गूगल करके भी देख सकते हो। इससे क्या हो रहा है, अभी हो क्या रहा है, ग्रेजुअली नॉर्थ पोल इज कन्वर्टिंग इनटू साउथ पोल एंड साउथ पोल धीरे धीरे नॉर्थ पोल बन रहा है।
ये जो हिस्सा है ना, ये जो किस्सा, ये जो होता है पोल कन्वर्शन, जिसको बोला जाता है जियो मैग्नेटिक रिवर्सल, ये इससे पहले लगभग 7,80,000 साल पहले ऐसा हुआ था। दोस्तों सोचो, इंडिया ने चावल का एक्सपोर्ट बंद क्यों किया? हड़कंप मच गया चारों तरफ, फूड क्राइसिस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये आप लोगों को भी पता है। आप पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, वियतनाम, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो ऑलरेडी फूड क्राइसिस से गुजर रहे हैं। जैसे महापुरुष ने मालिका में लिखा है, आगे खाने का अभाव दिखेगा, धरती अनाज नहीं फैलाएगी, इंद्रदेव बारिश समय पर नहीं करेंगे। ये सब 2023 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। दीपक जी आगे बता रहे हैं, होल अर्थ के लिए बहुत सारा सैटेलाइट्स ऐसे हैं जो कि सूर्य का स्टडी कर रहे हैं, सन का स्टडी कर रहे हैं, और सबका स्टडी साइंटिस्ट लोग भी कर रहे हैं, और उन सब का रिजल्ट ये कह रहा है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी 25% वीक हो चुका है। और इस पर दीपक जी नोट डाउन करके बता रहे हैं कि अगर इस पर भी कोई सोलर स्टॉर्म आती है, जैसा सोलर स्टॉर्म 1859 में आया था, जिसको कैरिंगटन इवेंट के बारे में बताया जाता है, और जो कि साइंस के रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे बड़ा सोलर स्टॉर्म है, कैरिंगटन इवेंट, आप लोग ये गूगल करके भी देख सकते हो। उस टाइम सोचिए, उस टाइम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना अच्छा था, ठीक है? उस टाइम पे टेलीग्राम चलता था, और टेलीग्राम के लिए जो तार होता है, उसका वायरिंग जो रहता है उसका तार, वो जमीन से 8-10 फीट अंदर जाता था, वो तार उस समय जल गया था। तो सोचिए, अभी अगर 25% वीक मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसी इंटेंसिटी का भी अगर सौर तूफान आता है, या फिर सोलर स्टॉर्म आता है, तो सोचिए क्या अंजाम हो सकता है। हम लोग सीधा स्टोन एज में चले जाएंगे, सीधा स्टोन एज। ये सब के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चाइना, यूरोप और यूएसए तीनों मिलके एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम है मकाओ साइंस वन। ये इसका काम है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंजेस हो रहा है उसको मॉनिटर करना, और ये अभी रिसेंटली मई 2023 को ये लॉन्च किया हुआ है। ये आप लोगों को भी पता होगा, न्यूज में भी आया हुआ था इस बारे में, ठीक है? तो देखिए आगे क्या होने वाला है, सबको पता है, दीपक जी बता रहे, सारे साइंटिस्ट को पता है क्या होने वाला है, सारे देश को पता है क्या होने वाला है। साइंटिस्ट ये भी कोशिश कर रहे हैं ड्रिल करके अर्थ के मेटालिक कोर तक पहुंचने के लिए, ताकि वहां से देख के कुछ कर सके, ये सब जो अनहोनी होने वाला है उसको कैसे रोक सके, मैग्नेटिक फील्ड का वीकनेस कैसे रोक सके। आगे श्री अग्रवाल जी बोलते हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपको जो जो चैनल बताया गया वो सब देखो, उसमें कॉमेंट्स पढ़ो। तो बचने के लिए सब एक ही बात बोल रहे हैं कि भाई स्पिरिचुअल हो जाओ, और यही सजेशन दे रहे हैं कि भगवान का नाम लो। दीपक जी बोल रहे हैं, मैं भी अब जगन्नाथ जी का नाम बहुत ज्यादा लेने लगा हूँ। लोगों को ये मालिका के बारे में जानना चाहिए, उन्हें भी सोचना चाहिए कि 600 साल पहले का जो लिखा हुआ है वो सब फाइनली हो रहा है, और वो भी साइंटिफिकली, और उन्होंने 600 साल पहले से ऐसे लिख दिया मालिका, और इतना एक्यूरेटली टाइमलाइन के साथ। साइंस इंडिकेट कर रहा है 2025 को, मालिका भी 2025 में 29 मार्च 2025 से मीन शनि योग के बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है। आगे अग्रवाल जी बता रहे हैं कि आप लोग गूगल भी कर सकते हो अबाउट सोलर साइकिल। अभी सूर्य का 25वां साइकिल चल रहा है, 25th साइकिल, और ये पीक करेगा 2025 में। ये एक्चुअली सोलर साइकिल होता क्या है, ये सोलर साइकिल 1755 में स्टार्ट किया गया था। ये सन का, सूर्य का सन स्पॉट कुछ एक्टिविटी होता है उसको रिकॉर्डिंग करने का एक यूटिलाइजेशन किया गया था, जो हर 11 साल तक किया जाता था। तो उस हिसाब से 1755 में जो शुरू हुआ था, वो अभी का जो 25th साइकिल जो स्टार्ट हुआ है, ये 2019 से स्टार्ट हुआ है, और ये चलेगा 2030 तक, ये 11 ईयर्स, और इसके बीच में जो पिकअप टाइम है वो है 2025। तो इसलिए देखो 2025 में ये पीक करेगा, मालिका भी बता रहा है 2025 के बारे में, मीन शनि योग का शुरुआत होगा,
ये सारी चीजें भविष्यवाणी में लिखा हुआ है जो साइंस आप लोगों को बता रहा है। और दोस्तों देखिए, जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि अर्थ के पृथ्वी के पोल शिफ्ट होने के बाद नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाएगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ कुछ ऐसा ऐसा सुनने को आ रहा था। तो दीपक जी बता रहे हैं ऐसा अगर होता है तो नॉर्थ पोल होगा बे ऑफ बंगाल, जो बोला जाता है हम लोग का पूरी, या फिर जो बंगोप सागर है बे ऑफ बंगाल, वो बन जाएगा हम लोग का अर्थ का नॉर्थ पोल, और साउथ पोल बन जाएगा अमेरिका का पेरू। ठीक है, अभी देखिए भविष्य मालिका में महापुरुष ने 600 साल पहले क्या लाइन लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है, खंड गिरी सिरे बरफ पड़ीब देखिबू तू नयनरे। इसका मतलब क्या हो रहा है, खंडगिरी आप सबको पता है भुवनेश्वर में है और पूरी से 60 किलोमीटर दूर है, और सिर मतलब होता है हेड, मतलब खंडगिरी पहाड़ के ऊपर बर्फ का गिरना। अब सोचिए अगर पूरी में नॉर्थ मेरू आ जाता है कैसे भी करके, जो दीपक जी बता रहे हैं, तो उस हिसाब से खंडगिरी में बर्फ का गिरना 100% पॉसिबल है, 1000% पॉसिबल है। मालिका में ऐसा भी लिखा है 14 दिन तक बर्फ के कारण जगन्नाथ मंदिर में भोग नहीं लग पाएगा। आप ये जितना भी सारे कीवर्ड्स आप लोगों को बताया गया, जितने भी सारे यूट्यूब चैनल आप लोगों को बताया गया, आप ये सारा लिंक करोगे तो आप सब समझ जाओगे कि भविष्य मालिका में ये सब पहले से लिखा हुआ है, और बहुत पहले से लिखा हुआ है। दीपक जी ये भी बता रहे हैं अब कि महापुरुष ने 600 साल पहले मालिका में जो भी लिखा है वो सारा साइंटिफिकली करेक्ट हो रहा है, और वो हैरान है और 600 साल पहले एक साधु महापुरुष ने कैसे ये सब चीजें लिख दिया, जो कि कॉमा फुल स्टॉप के साथ एक एक अक्षर तक सही हो रहा है, और सब कुछ सही होगा, हर चीज साइंटिफिकली भी सही होगा। दोस्तों आप लोगों को पिछले दो वीडियो में भी और इस वीडियो में भी जो जो चीजें बताया गया, जो जो कीवर्ड्स बताया गया, जो जो YouTube चैनल के बारे में हम लोगों ने बताया, वो सब आप सर्च करो, गूगल करो, वहां से डाटा कलेक्ट करो, आप सबको हर चीज का प्रूफ मिल जाएगा, हर चीज का आप लोगों को नॉलेज हो जाएगा। जैसे जैसे आप पता करो वैन एलन वेल्ट, सोलर स्टॉर्म 2025, साउथ अटलांटिक एनामोली, सस्पिशियस ऑब्जर्वर यूट्यूब चैनल, कैरिंगटन इवेंट, ये सब आप गूगल करो, यूट्यूब में देखो, कमेंट्स पढ़ो, अपना खुद का सोच लगाओ, प्रभु का नाम लो, और चलिए हम लोग दीपक अग्रवाल जी से आज का मुलाकात यहाँ पे समाप्त करते हैं, महाप्रभु जी का नाम लेते हैं और भगवान को याद करते हैं। जय श्री हरि, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री राधा कृष्ण, जय पंचसखा।